और यूट्यूब चैनल। आज हैं हम लोग शहीद पथ से सटे हुए इस्कॉन के पास में, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर इस्कॉन लखनऊ, इसके फाउंडर हैं श्री प्रभुपाद जी, और दिखाते हैं आज इस वीडियो को कवर करते हैं और ये मंदिर है। सो चलते हैं और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ऐसे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो कि पास में ही है, और ये रास्ता जा रहा है शहीद पथ के पास। सीधे जाएंगे शहीद पथ के सटे हुए निकलेंगे, और हमारे साथ में हैं ये भाई केशव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सो अभी चलते हैं और दिखाते हैं सब कुछ। यहाँ पर बहुत सारी ट्रैफिक रहेगी, और ये सब लोग आए हैं यहाँ इस्कॉन में वृंदावन कैंप जा रहे हैं, दो तीन बसें, तो इसके बारे में डिटेल देंगे थोड़ी सी केशव। हरे कृष्णा। अगर ये इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन वृंदावन कैंप जा रहा है, ये बसें लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप, बस हैं, दो बस अभी लगी हुई हैं, चार पांच बस और आने वाली हैं, और ये बस सीधे वृंदावन आज निकलेगी 2 बजे प्रसादम के बाद। मंदिर में प्रसादम होगा, प्रसादम के बाद वृंदावन जाएंगे, वहाँ पे प्रभुपाद जी का रथ यात्रा निकलेगा। रथ यात्रा मतलब शोभा यात्रा होता है, ठीक है, हर साल हर महीने एक रथ यात्रा निकालते हैं शोभा यात्रा के रूप में, वहाँ जा रहे हैं, सम्मिलित होंगे उसमें लोग, मंगला आरती होगी 3 बजे 4 बजे, उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम होगा ये यहाँ के गार्ड हैं। हरे कृष्णा पंडित, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और ये पार्किंग है, बैंड टीम जा रही है, ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पे, पूरी बैंड टीम रहती है, ये नहीं कोई ऑर्केस्ट्रा वाले बुलाएं, यहाँ जो भक्त आते हैं वो ऑलरेडी कुछ सीखे रहते हैं तो आके इन्वॉल्व होते हैं। ये छोटी सी पार्किंग है, खास बात ये है कि ये पार्किंग के सामने प्रभु बताएंगे मंदिर है, ये जो बाहर हम आपको फुटेज दिखाए हैं ऐसा मंदिर निर्माणाधीन कार्य में लगा हुआ है, और इधर देखेंगे इसके अंदर जाना अलाउड तो नहीं, वैसे नहीं, हम प्रयास करेंगे कि इसके लेके जाएं अंदर, अंदर प्रयास रहेगा अंदर लेके जाएं, ठीक है, अच्छी बात है। ये पूरी डिटेल देंगे भैया साथ में, पास करवाए हैं तो हम उस पास के थ्रू अंदर लेके जाएंगे। हरे कृष्णा, अरे कोई बात नहीं प्रभु, सेवा सेवा होता है। अभी ये प्रसादम के लिए आए थे, मतलब ये जो वृंदावन कैंप जा रहा है उनके लिए रास्ते में प्रसादम, कोई इसका अलग से फीस नहीं, कुछ नहीं, आपको चलना है, कुछ रुपीज़ लगेंगे जैसे कि आपके टिकट के लिए, बाकी सब वहाँ पर रहना खाना पीना आपके लिए एकदम मुफ्त। और ये सामने आप देख सकते हैं हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट खुला है। ये रेस्टोरेंट ऐसा है कि लोग अगर रेस्टोरेंट नहीं खाते हैं तो इसमें टोटली सामान मिलेगा, चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा मैक्रोनी, मतलब ऑल टू ऑल फास्ट फूड्स यहाँ मिलेंगे और भी मिलेंगे। ऊपर देख सकते हैं आप, थाली लगे हुए हैं, डोसा लगा है, समोसा लगा है, चाउमीन पिज़्ज़ा, ये सब कुछ बिना लहसुन प्याज के मिलने वाला है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और भक्ति के साथ भी यहाँ पूरा काम कर सकते हैं। और यहाँ है थोड़ा सा खाना, मतलब प्रसादम बन रहा है प्रसाद। और ये इस्कॉन का एक सीक्रेट स्वीट्स है, उसको कहते हैं इस्कॉन बुलेट। अच्छा, इस्कॉन बुलेट मतलब हमारे यहाँ का रसगुल्ला। प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को खिलाते हैं, हिप्पीज वो जो अमेरिका में हिप्पीज का एक रूल आ गया था जहाँ वो नशा करते हैं, खुलेआम ड्रग्स लेते हैं, मतलब बायोटिक रिलेशन रखते हैं, बायो वो और रखते हैं, उनको उन्होंने इस्कॉन का बुलेट उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, अपने हाथ से खिलाया था। और ये यहाँ का प्रसादम तैयार हो रहा है, ये यहाँ पे कढ़ी बन रही है, बैंगन की सब्जी और मटर रखा हुआ है, और ये कुछ गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे जो हमारे सीनियर डिवोटीज रहते हैं या हमारे सीनियर्स यहाँ रहते हैं अभी, उसके बाद उनका और कहीं शिफ्ट होंगे, ब्रह्मचारी जो हमारे हैं ब्रह्मचारी आश्रम में जो आ चुके हैं उनके लिए ये है। और हम अभी ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं हैं इसलिए हम वाइट पहने, हम गृहस्थ आश्रम में, इसलिए गृहस्थ आश्रम का वाइट है, ये गृहस्थ आश्रम में है, ये वाइट है। और हरे कृष्णा के बाद आता है येलो ड्रेस, येलो ड्रेस हम आपको दिखाएंगे अगर कोई, येलो ड्रेस, उसके बाद आता है ऑरेंज, और जो येलो ड्रेस पहनते हैं वो मतलब दीक्षा लेते हैं प्रभु लोगों से जी। और चलते हैं और दिखाते हैं श्री राधा रतन बिहारी मंदिर। सो आओ चलो, एक एक भी दिखा सकते हैं, सुन करके दिखा सकते, दिखा चुके हैं पेड़ है, यहाँ पर कद्दू की सब्जी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी है, और पानी में सब शिफ्ट होने वाला है। सो इसके बता सकते हैं हम, ये यहाँ पे भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स होता है, इसमें 18 चैप्टर्स 18 सेक्शंस, इसमें आप आ सकते हैं डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। हमारे इस्कॉन बेस
जानकीपुरम के पास। इसका बेस है, सैटरडे संडे वहाँ क्लास होता है, टाइम वाइजली होता है, और यहाँ के जो सीनियर डिवोटीज लोग हैं या ब्रह्मचारी आश्रम में जो हैं वो आते हैं, पर्सनली क्लास कराते हैं। और साल में 6 times दिल्ली से डिवोटीज आते हैं हम लोग का टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट लेने के बाद हम लोग अगर सक्षम हैं उस टेस्ट में तो हम लोग को बाहर अमेरिका या लंदन प्रचार के लिए भेजा जाता है। ये हमारा पोस्टर है, काफ़ी पुराना है क्योंकि हम लोग काफ़ी स्टार्टिंग्स कर रहे हैं। अभी हम इसमें चैप्टर सिक्स हम कर रहे हैं इस वक्त, और इसके आगे भी होगा। आप क्लास कर सकते हैं आके, डिटेल आपके कुछ लिखा हुआ है। स्पीकर्स शब्द भुज गौर दास बीटेक किए हुए हैं, मधुस्मिता दास बीटेक एमबीए दोनों किए हुए हैं, तो ये सब पढ़ाने के लिए आएंगे। और चलते हैं थोड़ा और दिखाते हैं, ये फाउंटेन लगा हुआ है यहाँ पर, देखेंगे पूरा। और यहाँ पर उनकी कार वार भी खड़ी है, ये सब लोग महान हैं, सन्यासी जीवन है पूरा उनका। ये देखेंगे यहाँ पर पटाखों और दिवाली मनाई गई है बहुत ही अच्छे से। मंदिर का द्वार है, और यहाँ पर पीछे साइड देखेंगे तो अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, और आगे देख रहे हैं पूरा। सो चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये भैया आ रहे हैं, कोई भैया नहीं, प्रभु कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। बढ़िया, वृंदावन बढ़िया, नहीं अभी नहीं जा चुके हैं। तो जितने भी लोग ये वाइट ड्रेस पहने हुए हैं, ये सब लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इनका अनुसरण कर रहे हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर अभी थोड़ा चलते हैं और दिखाते हैं सब कुछ। हाँ बाल कटवाने पड़े, नहीं, ये सही बात है। यहाँ रॉकिंग भी आते हैं, हाँ, जो हिप हॉप कर रहे होंगे वो सब, मतलब अंदर रॉकिंग कीर्तन कर रहे हैं, अंदर कीर्तन हो रही है, होता है सब कुछ होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री ना लेके पीछे से लेंगे, गौशाला भी दिखाएंगे आपको, अंदर देख रहे हैं पूरा। यहाँ पर आप स्लीपर उतार सकते हैं पानी से आचमन करने के बाद, ये रहेगा गौशाला। अभी चलते हैं गौशाला दिखाएंगे। रात में गायों को यहाँ कर दिया जाता है क्योंकि हवा भी अच्छा होता है, रात में गायों को यहाँ कर दिया जाता है गर्मी में, और ठंडी में तो यहीं रहते हैं। और गाय के सींग देख सकते हैं, गाय। बहुत ही अच्छी लग रही है, स्पेशली वृंदावन द्वारका से मंगाई हुई गाय है, ये वृंदावन और द्वारका से आई हुई गाय हैं, बहुत ही अच्छा। और इनका भैया ने बताया था कि इनका जो एक एक दिन का दूध होता है वो कम से कम 20 लीटर से प्लस में होता है। ये स्नेह देख सकते हैं, ये केवल गाय ही करने वाली हैं। चलिए और अभी आगे दिखाते हैं। किंग ऑफ काऊ, इनके पास जाने से थोड़ा डर लगता है क्योंकि सबसे डेंजर नहीं, मगर ये मारते नहीं हैं। एक ये है, सेवा करने का होता है ये। और जय श्री कृष्ण। गाय तो बहुत ही बड़ी है, नॉर्मल गाय नहीं है, बताया जैसा जी हाइट देख रहे हैं, और बहुत ही प्यारी प्यारी सी गायें हैं, इनकी देखभाल भी होती है। और चलते हैं दिखाते हैं थोड़ा और कुछ, देखने में थोड़ा डर लग रहा है। ये भैया हैं, इनका देख रेख करते हैं, हाँ, गाय का चारा हुआ, गोबर हुआ, ये सब देखते हैं, इनकी सेवा है और बहुत ही अच्छा काम भी है। आपका नाम? मंटू सिंह यादव जी, यादव जी हैं गायक ग्वाले, जैसा कि नाम ही है। चलिए हरे कृष्णा प्रभु। तो गाय देख सकते हैं, यूपी की है, हर कैसे लग जा रहा होगा आपको, नादे में आ गई है वो।
बता रहे हैं वो गाय यूपी की हैं क्योंकि ना आ गई हैं, हरकत ही है वैसी। चलो चलते हैं, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, चलते हैं मंदिर के अंदर। गोवर्धन पूजा के लिए प्रसादन तैयार हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। पर्वत बना के इसको भोग लगाया जाएगा प्रभु, चावल ये आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत को बना के उसके ऊपर मीठा की पूजा की जाएगी। वहाँ प्रभु तैयार हुए जाएंगे, प्रभु तैयार हुए वो दिखाते हैं आपको। प्रभु तैयार किए गए हैं गाय के गोबर से, देख सकते हैं। पूरा कैसा है, कितना बेहतरीन था। प्रसादम पैक हो रहा है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी बस हो गया पैक, वृंदावन के लिए प्रसादम पैक हो रहा है यहाँ से जी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रसादम ये है, कुछ खाना और स्टॉक्स रखा हुआ है पूरा। यार ये हमारे आते रथ यात्रा में ही आते हैं यहाँ से। जय श्री कृष्ण जगन्नाथ जी हैं है। और यहाँ चलते हैं, राधा रमन बिहारी मंदिर है वो, तो उसमें देख क्या रहे हो। यहाँ पर अभी खाने वाले हैं हम लोग प्रसाद दोनों लोग, और चल स्टार्ट करते हैं और खाते हैं। जितना चाहिए हाँ, ये दलिया है मस्त एकदम। हरे कृष्णा। वृंदावन जाते हुए आगे हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रसाद का काम चल रहा है और प्रसाद अभी बन के तैयार हो चुका है। 2:15-20 हो रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं पूरा भीड़ लगी हुई है और चम्मच ऐसे लिए रहिए, बजे खत्म हो जाते इधर भी लिख लीजिएगा और ऊपर कर ले। सो भीड़ देख रहे हैं पूरी मस्त है। श्री कृष्णा।